बीते दिनों हरियाणा के नूह में हुए भीषण सड़क हादसे की तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रोल्स रॉयस कार और तेल टैंकर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इस भीषण हादसे में रोल्स रॉयस कार में सवार एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं नूह जिले के उमरी गांव के पास हुए इस हादसे में टैंकर चालक और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अब हादसे में जान गंवाने वाले ट्रक में सवार अयोध्या के रहने वाले सुपरवाइजर कुलदीप सिंह के परिजनों ने इस मामले में हरियाणा पुलिस और अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक कुलदीप के भाई और पत्नी ने रो रो कर मीडिया के सामने आप बीती बताते हुए पुलिस पर हादसे का कारण बनी तेज रफ्तार कार रॉयल्स रॉयस फैंटम के मालिकों के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही हरियाणा अस्पताल में मृतक के भाई के साथ अभद्रता और पोस्टमार्टम हाउस तक शव को नग्न भेजे जाने के भी आरोप लगाए। इसके अलावा मृतक कुलदीप सिंह की पत्नी और परिजनों ने जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री को भी शिकायती पत्र भेजने की बात कही। मैं रात को 1 बजे वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि सब पेपर वेपर तैयार है, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ का जो प्रशासन था उसे ने पता किया कि कब तक वो होगा पोस्टमार्टम, तो करे अभी होगा। 10:30 बजे वह पहुँचे, फिर उन्होंने पेपर की कार्रवाई शुरू की, फिर हमको इधर उधर टहलाना शुरू किए कि अभी होगा, ये होगा, वो होगा। दशा वहाँ की इतनी ख़राब थी, इतनी बदतमीजी हम लोगों के साथ हो रही थी कि बताइए, हम अपने हाथ से अपने भाई की बॉडी हमसे निकलवाया गया फ्रीजर से, और बताइए कफन के लिए वो अंडर वियर में थे, हमने बोला एक कफन दे दीजिए, कफन तक नहीं दिए। अब तो एक लपेटा गया था कपड़ा, ब्लड से पूरा वो सना हुआ था। बॉडी उठवाए वो लोग, फिर ले गए पोस्टमार्टम हाउस में, वहाँ पे उनसे पोस्टमार्टम जो ऑपरेट किया था उस पर रखवाए। उसके बाद फिर बॉडी उन्हीं से बाहर निकलवाए, एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं करने दिए, बोले कि तो आप हटाइए। सब कह रहे हैं कि वो इतना पावरफुल आदमी है जो दूसरा है अगला पक्ष, कि वो इतना सब सेट किया कि वहाँ पे FIR लिखने तैयार ही नहीं थे। वही कुलदीप की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, वो इस सदमे से उबर भी नहीं पा रही। अनुपम ने कहा कि कंपनी वालों ने कोई संपर्क नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी शादी और पढ़ाई लिखाई हम कहाँ से करेंगे, हमारा तो अब कोई सहारा नहीं है। पति 17 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और उस कंपनी वाले ने कोई संपर्क नहीं किया, और हमारे 3 बच्चे हैं, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब भी वो लोग फ़ोन नहीं किए हमारे पास। हमारे 3 बच्चे हैं, वही है, उनकी शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई हम कहाँ से करेंगे, हमारा तो कोई सहारा नहीं है सब तो। आपको बता दें कि इस हादसे के वक्त कार में कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू भी सवार थे। जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को विकास मालू किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान के उदयपुर जा रहे थे। इस दौरान उनकी रॉल्स रॉयस की स्पीड 200 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर थी। तभी तेल का टैंकर यू टर्न ले रहा था कि तेज स्पीड से चली आ रही रॉल्स रॉयस कार ने टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के तुरंत बाद रॉल्स रॉयस कार और तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। गौरतलब है कि हादसे में जान गंवाने वाले 35 साल के कुलदीप सिंह पिछले 17 सालों से इफ्को इंफ्राटेक कंपनी में काम कर रहे थे और अब सुपरवाइजर थे। कुलदीप सिंह अपने पीछे 7 लोगों का परिवार छोड़ गए हैं, जो बहुत कुछ उन्हीं पर निर्भर था। उनकी 3 बेटियां और बूढ़े माता पिता कुलदीप की असमय मौत से सदमे में है। तो वहीं कुलदीप की पत्नी अनुपम आवाज में दर्द और बहते आंसुओं के बीच इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि अब उनका और उनकी बच्चियों का क्या होगा। बहरहाल अब कुलदीप का परिवार न्याय की आस में है, देखना ये होगा कि उन्हें इंसाफ कब तक मिल पाता है। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।